पार्ट 19 में फिजिक्स नाइन्थ वाला फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पढ़ाना था, लेकिन इससे पहले एक बार रिवीजन कर लो, त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये नहीं समझोगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम होगा। जबकि एक्सेलरेशन को हम पिछले ही चैप्टर में बतला चुके हैं। परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा है एक्सेलरेशन के बारे में, इससे पहले वाला चैप्टर में बता दिए हैं, जिस चैप्टर का नाम है मोशन। लेकिन ऐसा लगता है जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम बतलाने से पहले थोड़ा झलक दे दिया जाए। तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इससे पहले ये समझो परिवर्तन की दर का क्या अर्थ हुआ। परिवर्तन की दर का अर्थ हुआ 20 किलोमीटर हुआ 40 किलोमीटर नहीं, परिवर्तन की दर किसको कहते हैं? तो मान लो अभी एक महीना पहले 5 किलो सब्जी का दाम, परवल का दाम था 100 रुपया। बरसात का टाइम आ गया, अभी 5 किलो का दाम हो गया 150 रुपया। तो अगर ये पूछा जाए जो परिवर्तन का दर क्या है, अर्थात ये रेट में जो परिवर्तन हुआ है, तो किस दर से परिवर्तन हुआ है? दर हमेशा इकाई पर निकाला जाता है। कहने का अर्थ 5 किलो का दाम 100 रुपया है ना, तो 1 किलो का दाम कितना हो गया? 100/5 यानी 20 रुपया। पहले 1 किलो परवल का दाम 20 रुपया था, तो अब 150 रुपया है 5 किलो का, तो 1 किलो का 1 किलोग्राम का 30 रुपया होगा। तो पहले 1 किलो परवल का दाम 20 रुपया था, अब 1 किलो परवल का दाम 30 रुपया है, तो कहेंगे परिवर्तन का दर हमेशा 1 पर निकाला जाएगा, यानी 20 रुपया अभी 30 रुपया, 30 रुपया में से 20 रुपया घटा दो 10 रुपया, तो परवल के भाव में परिवर्तन का दर 10 रुपये किलो है ना। परिवर्तन जो हुआ है तो किस रेट से हुआ है, किस दर से? तो प्रति किलो 10 रुपये, पहले 20 था अब 30 हो गया, 30 - 20 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम में वृद्धि हुई है। परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी। तो हमेशा यूनिट ये इकाई पर निकाला जाता है परिवर्तन। एक और उदाहरण से समझ लो, बैंक में मान लो कोई 100 रुपया रख रहा, तो 100 रुपया का एक वर्ष में हमारी सरकार मान लो 7 रुपया दे रही है, ये पिछले ईस्वी में दे रही थी। 100 रुपया रखोगे तो एक वर्ष के बाद सरकार तुमको 100 रुपया पर 7 रुपया दे रहा है, तो कहेंगे ब्याज का, देखो ब्याज का वार्षिक दर कितना है? तो 7% यानी 100 में 7 रुपया
ब्याज का वार्षिक यानी एक वर्ष में ब्याज का दर कितना है, तो 100 रुपया पर 7 रुपया, समझ रहे हो, तो 100 यानी एक सैकड़ा, तो एक सैकड़ा हुआ, प्रति सैकड़ा 7 रुपया ब्याज का दर। तो ये परिवर्तन का दर हमेशा एक पर निकाला जाएगा, समझ गया, यानी एक वर्ष में कितना, दो वर्ष में एक वर्ष हुआ या एक महीना पर निकाल सकते हो। तो अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया का, देखो 100 रुपया का इस नए ईस्वी में अब एक वर्ष के लिए सरकार घोषणा की 9 रुपया मिलेगा ब्याज, तो ब्याज का वार्षिक दर 9 रुपया हो गया। तो परिवर्तन का दर कितना हुआ, 9 में से 7 घटाओ 2 रुपया, तो वार्षिक मतलब ब्याज का वार्षिक परिवर्तन का दर यानी साल में जो परिवर्तन हुआ 2 रुपये प्रति सैकड़ा बढ़ गया, यानी 100 पर 2 रुपया बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। उसी तरह मान लो किसी भी पदार्थ का दाम, चीनी मिल रही है, 1 किलो चीनी कभी पहले मिलती थी 40 रुपया में, अभी मिल रहा है 1 किलो चीनी 50 रुपया में, ऑलरेडी एक है ही, अगर ये रहता 2 किलो चीनी पहले 40 रुपया में मिलती थी, अब 2 किलो मिल रहा है 50 रुपया में, तो परिवर्तन का दर निकाले, तो परिवर्तन हमेशा एक पर निकाला जाएगा, 2 किलो का दाम 20 रुपया, तो 1 किलो का दाम, 2 किलो का दाम 40 रुपया, तो 1 किलो का दाम 20 रुपया, 2 किलो अब मिल रहा है 50 रुपया में, तो 1 किलो का दाम 25 रुपया, हाँ क्या कहेंगे, 25 में से 20 घटा दो 5 रुपये प्रति किलोग्राम परिवर्तन हो गया है, यानी परिवर्तन का दर प्रति किलोग्राम 5 रुपया है, तो प्रति एक पर आया हिसाब, तो परिवर्तन का दर का समझ गया। अब एक्सेलरेशन, किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग में तो एक निश्चित दिशा होती है, इकाई समय में किसी पिंड के द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उस पिंड का वेग कहते हैं, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तो ये सब तो ऑलरेडी हो ही चुका है, अब एक्सेलरेशन को डायरेक्ट समझो, तो किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो परिवर्तन की दर का अर्थ क्या हुआ, मान लो कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ होगा 10 किलोमीटर प्रति सेकंड ये प्रति घंटा, या मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड कोई पिंड, जैसे मान लेते हैं ए बी सरल रेखा पर या ए बी सीधी सड़क पर एक पिंड गतिशील है जिसका द्रव्यमान एम है, ठीक है, तो इस पिंड का ये इसमें कुछ फोर्स लगाया जाता है, एफ से फोर्स, तो पहले उसकी कुछ उसका कुछ वेग रहा होगा, तो मान लेते हैं किसी पिंड का वेग, द्रव्यमान छोड़ो, किसी पिंड का वेग V1 है, या कि प्रारंभिक वेग U, याद करो प्रारंभिक वेग के लिए U का प्रयोग करते थे ना, अंतिम वेग के लिए भी का, तो मान लेते हैं कोई पिंड, किसी पिंड की प्रारंभिक वेग U है, ये कोई पिंड है इसका प्रारंभिक वेग U है, और इसमें कुछ फोर्स लगाया जाता है जिसके कारण इसका वेग U से भी हो जाता है,
उसका वेग मान लो यू से भी हो गया, अब जो है जैसे हम मान लिए हैं किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u है, ये पिंड का प्रारंभिक वेग u, u का मतलब मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड है कि 4 मीटर प्रति सेकंड है कि विराम अवस्था में है 0 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा, तो मान लेते हैं इस पिंड का प्रारंभिक वेग u है। इस पर एक बल आरोपित किया जाता है, पहले से मान लो गतिशील है तो गतिशील है और कुछ फोर्स लगा देंगे तो अधिक गतिशील हो जाएगी, तो जिस पर एफ बल आरोपित किए जाने से, एफ बल लगाए जाने से टी समय के बाद उसका वेग भी हो जाता है, यानी कुछ समय लिया और वेग बढ़ गया या मान लो घट गया, समझा? तो जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में बल लगाएंगे तो ये बढ़ गया, इसका अर्थ ये हुआ, तो टी समय के बाद उसका वेग भी हो जाता है, तो वेग में परिवर्तन हुआ। अगर मान लो ये है तुमको 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया, इससे पहले था 6 मीटर प्रति सेकंड, 5 न्यूटन का बल लगाए तो 6 मीटर प्रति सेकंड वेग था, अब हो गया मान लो 2 सेकंड के बाद 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 2 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ, 8 में से 6 घटाओ 2 मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन हुआ, तो 2 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का अंतर आया, वेग में वृद्धि हुई, इसीलिए 1 सेकंड में तो इकाई में निकल गया ना, तो यही परिवर्तन का दर हुआ। तो मान लो एफ बल लगाने से उसका प्रारंभ, ये प्रारंभिक वेग यू है किसी पिंड का, इस पिंड पर एफ बल आरोपित किए जिसके कारण टी समय के बाद उसका वेग कितना हो गया, भी यानी बदल गया, तो वेग में परिवर्तन भी माइनस यू हुआ, बोलो भी हो जाता है। अर्थात वेग में परिवर्तन बराबर भी माइनस यू, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग भी हो गया एफ बल लगने से, प्रारंभिक वेग यू था तो कितना परिवर्तन हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यानी भी माइनस यू, तो यह परिवर्तन टी समय में न हुआ है, टी समय के बाद इसका वेग यू से भी हो जाता है, यानी टी समय में परिवर्तन भी माइनस यू हुआ, ऊपर वाला को हम मिटा रहे हैं। यहाँ से देखो, अतः पिंड के वेग में टी समय में परिवर्तन आया भी माइनस यू, टी समय मान लो यहाँ पर मान लेते हैं 3 सेकंड में आया, टी समय का कुछ तो वैल्यू होगा, 3 सेकंड में परिवर्तन कितना आया, तो अंतिम वेग हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, इससे पहले था मान लो 3 मीटर प्रति सेकंड, तो भी अंतिम वेग हुआ, ये मान लो शुरुआती वेग हुआ प्रारंभिक वेग, तो 3 सेकंड में परिवर्तन कितना हुआ, 6 मीटर प्रति सेकंड माइनस 3 मीटर प्रति सेकंड बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड हुआ ना, तो निकालेंगे 3 सेकंड में परिवर्तन 3 मीटर प्रति सेकंड होता है, इसीलिए 1 सेकंड में, तो 3 मीटर प्रति सेकंड बटा 1 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड,
समझ गया, तीन तीन कट गया, यानी एक मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें जो हम लोग वेरिएबल न ले रहे हैं तो टी समय में कितना परिवर्तन हुआ, वी माइनस यू, एक सेकंड। तो चूंकि टी समय में वेग में परिवर्तन वी माइनस यू है, इसीलिए इकाई समय एक समय में, यानी इकाई समय में टी मिनट होगा तो एक मिनट में, टी सेकंड होगा तो एक सेकंड में, टी घंटा में वेग में परिवर्तन होगा तो इसीलिए एक घंटा में, तो इकाई में निकल रहा है, इसीलिए इकाई समय में वेग में परिवर्तन वी माइनस यू बटा टी होगा। और देखो किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर, हमेशा इकाई समय में निकाला जाता है, इकाई में तो निकल गया। तो किसी पिंड के वेग में परिवर्तन की दर टी समय में वी माइनस यू परिवर्तन, इसीलिए इकाई समय में वी माइनस यू बाय टी, इकाई समय में निकालेंगे तो यही परिवर्तन का दर कहलाएगा। यही परिवर्तन का दर इसी का नाम है, जो इकाई समय में वेग में परिवर्तन हुआ इसी का नाम त्वरण है, समझ गया। इसीलिए परिवर्तन की दर बराबर वी माइनस यू बाय टी, वेग में वेग में परिवर्तन का दर हुआ, वेग में, इसीलिए वेग में परिवर्तन का दर इकाई पर निकल गया इतना हुआ। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण बराबर वी माइनस यू बाय टी, त्वरण का इंग्लिश एक्सेलरेशन, इसके लिए ए का प्रयोग होता है, तो ए बराबर वी माइनस यू बाय टी, ये हो गया त्वरण का फॉर्मूला। त्वरण समझाना, अब इसकी इसका यूनिट क्या होता है लिखाते हैं, इतना उतार। अब ये त्वरण निकल गया, त्वरण बराबर वी माइनस यू बाय टी, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण बराबर, इसको फॉर्मूला के रूप में हमेशा याद रखना है, इसको ए से व्यक्त करेंगे, तो ये तो फॉर्मूला हो गया ना, ए बराबर वी माइनस यू बाय टी, जहां भी क्या हो गया, अंतिम वेग, यू टी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में एफ बल लगाए जाने के कारण प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में आने वाला समय, यानी टी समय में वेग में परिवर्तन होता है ना, तो टी हो गया
क्लियर हो गया। टी हो गया प्रारंभिक वेग से, एफ बल जो बोले थे लगाएंगे तो प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग प्राप्त करने में लगा समय, माने थे ना, माना कि टी समय में एफ बल लगाए जाने से किसी वेग का, किसी पिंड का प्रारंभिक वेग यू से भी हो जाता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना। अब त्वरण की माप देखो, त्वरण का ऐसा यूनिट स्टार ऐसा मात्रक कैसे निकालेंगे, तो मात्रक तो फार्मूला से निकाला जाता है, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। इसलिए ए एक्सेलरेशन का एस आई मात्रक बराबर वेग का एस आई मात्रक माइनस ये हुआ प्रारंभिक वेग, ये हुआ अंतिम वेग। तो इसको ऐसे समझो, ये अगर 5 मीटर प्रति सेकंड है प्रारंभिक, देखो इसमें समझने वाली बात है, जैसे भी अंतिम वेग हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड, आप प्रारंभिक वेग था 2 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मतलब भी में से यू घटाएंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड में से 2 मीटर प्रति सेकंड घटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो ये भी माइनस यू का मात्रक क्या होगा, यूनिट मीटर सेकंड में ही आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर बटा सेकंड। इसके बाद देख लो टी समय का एस आई मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है, तो बटा सेकंड। इसको कैसे तोड़ोगे ध्यान से देखो, मीटर बटा सेकंड, ये हो गया मीटर बटा सेकंड गुने, ये सेकंड तो नीचे में ही ना है, तो एक बटा सेकंड लिख सकते हैं। तो ये हो गया मीटर, बटा के लिए ये लिखेंगे, सेकंड सेकंड को गुणा करेंगे तो सेकंड स्क्वायर। इसको समझा तू, एक्सेलरेशन का ऐसा मात्रक, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा मात्रक हुआ ये। तो एक्सेलरेशन इसका रिवीजन हो गया, एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक धनात्मक, चलो पहले इसको उतार लो, त्वरण का एस आई मात्रक ये कैसे हुआ, देखो यहाँ सेकंड स्क्वायर है, तो एस आई मात्रक भी में से यू घटाएंगे, यानी वेग मीटर प्रति सेकंड, यू भी मीटर प्रति सेकंड, अभी तुरंत बताए मान लिए 10 मीटर प्रति सेकंड है अंतिम वेग, ये 4 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 मीटर प्रति सेकंड में से 4 मीटर प्रति सेकंड घटेगा, तो अंत में मीटर प्रति सेकंड में ही कुछ रिजल्ट आएगा, आएगा ना, तो मीटर प्रति सेकंड, फिर बट्टा, तो ये बट्टा समय का ऐसा मात्र सेकंड पता है ना, तो ऐसी स्थिति में इसका अर्थ क्या हुआ, मीटर बटा सेकंड, मीटर बटा सेकंड गुने, ये बटा के नीचे है तो ये सेकंड भी नीचे आएगा, ये नीचे है ही, तो एक बटा सेकंड लिखे है, तो गुना करके मीटर गुने एक, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, बटा को प्रति कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का एस आई मात्रक होगा, ये याद रखना। तो इसमें एक बात और देख सकते हो, ए बराबर जी माइनस यू बाई टी, ये तो एक इक्वेशन हो गया, नहीं हो गया,
तो ये जब इक्वेशन हुआ तो इस पर हिसाब बनवाएंगे, इसको जो हल करोगे तिरछा गुना करोगे ए टी बराबर भी माइनस यू, और इसको आगे करो भी माइनस यू बराबर ए टी, इसीलिए भी बराबर यू आगे जाएगा तो प्लस यू और प्लस ए टी, यू प्लस ए टी अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग जोड़ त्वरण गुने समय। मूल फॉर्मूला आना चाहिए। अब न्यूटन के गति का दूसरा नियम अगले पार्ट में शुरू होगा, अब समझना आसान हो जाएगा। इसमें हल्की फुल्की कुछ बात और अलग से बतलाएंगे और पार्ट 20 में निश्चित तौर पर न्यूटन के गति का दूसरा नियम शुरू हो जाएगा।